आजी एक्जेक्टली क्यों ठारे आउ क्यों समय रे बात्याटी लैंडफॉल करिवो हमरो जो प्रथम पूर्वानुमान थिला सही पूर्वानुमान जारी रहिछि बात्याटी जेमिते आपण कहुतले आजी संध्या रे हमरा पाखरु 130 किलोमीटर दूर रे एवं पारादीप पाखरु प्रायत 100 किलोमीटर दूर रे केंद्रभूत अछि यह क्रमशः उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुछि भितरकनिका धामरा अंचल रे या उपकूल को आज मध्यरात्रि आसंका सकाल मध्य अतिक्रम कर पवन रेग बर्तमान यार केन्द्र निकट में 120 किलोमीटर प्रति घंटा चली उपकूल अंचल 60-80 किलोमीटर प्रति घंटा पवन चली धीरे धीरे पवन बढ़ मध्यरात्रि पाखु पवन रेग आसंता का प्रातः काल पर्यंत सर्वाधिक रहा हूँ 100-120 किलोमीटर प्रति घंटा यार प्रभाव में वर्षा जारी रही उपकूल अंचल वर्षार परिमाण बढ़त उपकूल अतिक्रम कर पवन वर्षा सहित सामुद्रिक जुआर धीरे धीरे बढ़ाक लगी सबुठ अधिक जुआर मध्यरात्रि आसंता का सकाल पर्यंत हमारे संभावना रही विशेषतः केन्द्रापड़ा जिले में भद्रक जिले में यही दुई जिले में गोटे मीटर 2 मीटर उच्चता सामुद्रिक जुआर आसीपा जहाँकि साधारणतः समुद्र जुआर आए अधिक 1 मीटर 2 मीटर तेणु वर्तमान बात्यार जो आउटर लेयर आप तार फल पवन धीरे धीरे बढ़ी बढ़ुची एवं वर्षा मध्य धीरे धीरे बढ़ुच तार जो कोर विंड जोटा कि पखापाखि केन्द्र पाखर 50-70 किलोमीटर जाए थाए से विंड आसापी आउ किसी घंटा लगे कारण यह बर्तमान जमी मुझे कहूली धामरा पाखर 130 किलोमीटर जी उपकूल अंचल देखिए प्रायत 100 किलोमीटर दूर में रही सर मझी राति कौन हम ओडिशा काउंटडाउन स्टार्ट हो सारा समस्त नजर कि क्यों समय रे आज मझी राति लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ होते घंटा लगे ये प्रक्रिया लैंडफॉल प्रक्रिया आप मिडनाइट 11-12 बेलू आरंभ हो संभावना रही जमीन आम आगुरी कही अनुसार केन्द्रापड़ा और भद्रक जिला जो उपकूल अंचल सब बेसी एथिरे प्रभावित हो निकटस्थ जो जगत सिंहपुर जिलार किसी अंश रही मत प्रभावित आपड़ी आम रेखांकित पथ जो आम देखु बात्यार गति देखिए सीटा भितरकनिका एवं धामरा अंचल दे उपकूल अतिक्रम करने धीरे धीरे केन्द्रापड़ा जिला भद्रक जिला दे जाजपुर जिला को प्रवेश करजपुर जिला आप देखिए उपकूल ठीक बेस दूर नुह एक गोटे उपकूलवर्ती जिला हिसाब से ग्रहण करेठे पवन रही 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा पवन विशेष जो अंचल लगिक रही केन्द्रापड़ा और भद्रक जिला सहित तेणु धीरे धीरे तापर बात्या उपकूल अतिक्रम करने दुर्बल होगा लगे आसंता का दुई प्रहर जाए बात्यार प्रकोप रही मैंने गोटे बात्या हिसाब से रही पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग गति कर संध्या बेलू गोटे अपात गभर अपात परिणत हो तेना साधारण जहाँ देखा जाए यह बात्यार 6 घंटा आगर लैंडफॉल एक्जाक्ट टाइम आप देखिए जो कहूँ मध्यरात्र आरंभ करके आसंता का सका जाए 6 घंटा पीरियड सब मानने कोर टाइम बहुत इंपोर्टेंट टाइम बहुत डिवास्टेटिंग टाइम से समय बेस किसी क्षत होवार संभावना रही सहित पूर्व 6 घंटा जोटा बर्तमान चली पर 6 घंटा से बात्यार प्रकोप थाए बर्तमान ये 6 घंटा मध्य बात्यार प्रकोप धीरे धीरे बढ़ी चलो जोटा पिक हम से समय सकाल पर जो 6 घंटा दिपहर पर्यंत से बात्यार प्रकोप धीरे धीरे कमी चल सर कहीं 6 घंटा बात्या लैंडफॉल पूर्व 6 घंटा पर 6 घंटा बहुत इंपोर्टेंट थाए क्रुशियल टाइम कहते कौन पाए कथा साधारण जो मन कर बात्या देखिए यार जो कोर एरिया पॉइंट सीटा हूँ आपण पखापाखि 70 किलोमीटर तेणु डायमीटर देखिए पखापाखि 140 किलोमीटर एवं जो कोर एरिया जो विंड स्पीड गोटे गोलाकार क्षेत्र में थाए तेना प्रथम तो फास्ट हाफ लैंडफॉल लैंड को जीवो तापर पुणी सेकेंड हाफ आसीबो केन्द्र हुए तो जापे गोटे पर्टिकुलर टाइम रे किंतु संपूर्ण भाव में जो
ପୁଅର ୱିଣ୍ଡ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାଟି ଧୀର ଗତି କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏଇ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଜାଗାରେ 6 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇପାରେ। ଯଦି ବାତ୍ୟାଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରେ ତେବେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଜାଗାରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ ଦଉଛୁ 10-12 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧୀର ଗତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଏଇ କଥା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାତ୍ୟାଟି ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯିବା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ କୋର୍ ୱିଣ୍ଡ ଏରିଆଟି ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଇକି କମିବା ପାଇଁ 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ପାଇରାଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଥାଏ, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ, ପବନ ଜୋର ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କୋର୍ ୱିଣ୍ଡ ଟଚ୍ କରିବ ସେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।